पंजाब हिमाचल की बड़ी खबरें जानते हैं विशाल द्विवेदी से। जी विशाल, श्रमित, अगर हिमाचल की बात कर ली जाए तो हिमाचल का जो बजट सेशन चल रहा है आज उसका 19वां दिन है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि आज बीजेपी एक प्रस्ताव ला सकती है सदन के अंदर, जिसमें सरकार द्वारा जो बजट में कटौती की गई है उसके ऊपर एक चर्चा के लिए प्रस्ताव ला सकती है। इस राजनीति से ही जुड़ी हुई दूसरी भी खबर है हिमाचल से। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह लगातार कहते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्र की एजेंसीज हैं या भाजपा जो है वो सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की कर रही है। इसी के वनस्पति वीरभद्र सिंह ने हाल ही में सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है और अंबिका सोनी जो हिमाचल की सचिव हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो हिमाचल के जो नेता हैं उनसे बात की है। तो क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस की जो शासित प्रदेश हैं वहां पे किसी न किसी तरह से डिस्टेबलाइज हो रही हैं गवर्नमेंट्स और प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज हो रहे हैं। तो इसी पे जब वीरभद्र सिंह से भी बात की गई तो उन्होंने कहा है कि जरूर एक नीति के तहत जो कांग्रेस की पार्ट कांग्रेस रूल जो स्टेट्स हैं उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। पर हिमाचल में वीरभद्र सिंह काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हिमाचल में ऐसी कोई नौबत नहीं है। वहीं नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ये लगातार कहते आ रहे हैं कि हिमाचल में भी उत्तराखंड जैसे हालात हो सकते हैं। उन्होंने एक और भी संकेत दिया है प्रेम कुमार धूमल ने कि अगर सरकार जो फाइनेंशियल बिल है जो बजट बिल है अगर उसको यहाँ पे पास नहीं करवा पाती तो सरकार विफल रहती है और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो देखी जाएगी। इसी के बनस्पत आज जो बजट पे कटौती है और आज जो विपक्ष है वो सरकार को सदन में कैसे घेरेगा इसी को लेकर 10 बजे जो बीजेपी का लेजिस्लेटिव असेंबली है जो दल है एमएलएस का वो एक बैठक करेगा और 11 बजे सदन के अंदर कैसे सरकार को घेरेगा उसके ऊपर एक नीति बनाई जाएगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं हिमाचल से जिस पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। जी श्रम, तीनों सहयोगियों का शुक्रिया पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए।